नमस्ते बच्चों, अभी आपने अंग्रेजी की क्लास अटेंड की है। अब अपन विज्ञान विषय पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब पौधों में पोषण। जैसा आप जानते हैं कि आपके शरीर की वृद्धि के लिए और आपकी सभी शारीरिक ग्रोथ के लिए आपको भोजन लेना होता है और उससे आपको ऊर्जा मिलती है जो आपके बदन के शरीर के निर्माण में काम आती है। ठीक उसी तरह पौधों को भी अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपने शरीर की वृद्धि करने के लिए उनको भी पोषण पदार्थों की जरूरत होती है, पोषण की जरूरत होती है। अब हम जानते हैं कि पोषण है क्या। यह सभी जीवधारियों का अनिवार्य लक्षण है। जीवधारियों में होने वाली क्रिया जिसके द्वारा कच्चे पदार्थों का उपयोग करके वे संरचना एवं शारीरिक क्रियाओं का मेंटेनेंस करते हैं उसको हम पोषण कहते हैं। पौधों में पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विषम पोषी। स्वपोषण वह पोषण है जिसमें पर्णहरिण की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से भोज्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है और इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। स्वपोषण जो है वो सभी हरे पौधों में होता है। प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसमें सूर्य के प्रकाश के लेकर पौधा क्लोरोफिल और जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। देखिए ये सूर्य प्रकाश है और ये पौधा ले रहा है इसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में निर्माण हो रहा है ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का। ये केवल स्वपोषी पौधों में होता है और स्वपोषी पौधे कौन से हो गए, जो हरे पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल। पर यहाँ एक चीज आपको जानना जरूरी है कि युग्लिना नामक जीव जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है वो भी स्वपोषी होता है, वह भी स्वयं भोजन बनाता है। इसीलिए उसे पौधे और जंतु के बीच का कनेक्टिव लिंक कहते हैं। अब स्वपोषी पोषण जो था उसको भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया, एक रसायन स्वपोषी, दूसरा प्रकाश स्वपोषी। रसायन स्वपोषी जो है वो ऐसे पादप हैं जो एटीपी के रूप में ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और आणविक ऑक्सीजन का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा जो मिलती है उसके द्वारा वो अपने शरीर के प्रकृति को प्रकृति करते हैं। कैसे हो गए, सल्फर बैक्टीरिया हो गया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया हो गया, ये सब कौन से हो गए, रसायन स्वपोषी, इनमें क्लोरोफिल नहीं है। दूसरा प्रकार होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी पोषण का, प्रकाश स्वपोषी पोषक। ये वे पौधे हैं जो सूर्य की सहायता से सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल के द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। अतः ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं, इसलिए ये प्रकाश स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। अब दूसरा प्रकार का पोषण का पौधों में विषम पोषण। इसमें ये पौधे जो है स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं और अपनी भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, अपने पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए
अन्य बाह्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, मतलब बाहर से इनको ये बाहर वाली चीजों पर निर्भर होते हैं, स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको विषम पोषी पादप और इस पोषण विधि को हम विषम पोषी कहते हैं। विषम पोषी पोषण जो है वो कई प्रकार का होता है। इनके नाम आपने कई बार सुने होंगे। पहला परजीवी पोषण, जिसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृतोपजीवी। तीसरा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सहजीवी पोषण। और फिर इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, कीट भक्षी या मांसाहारी पौधे। मतलब विषम पोषी प्रकार वो है जो कि स्वयं अपनी आवश्यकता के लिए भोजन का निर्माण नहीं कर सकता, स्वयं खुद पोषण प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए अन्य बाह्य स्रोतों से भोजन को प्राप्त करता है। और इसको कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया, परजीवी, सेप्रोफाइटिक, मृतोपजीवी, सिम्बायोटिक, सहजीवी और इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, कीट भक्षी या मांसाहारी पोषण। अब हम इनको एक एक करके लेंगे। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या परजीवी पोषण, यह वह पोषण है जिसमें जीव अपने लिए आवश्यक पदार्थों को दूसरे जीवों से प्राप्त करता है। इसमें जीव जो है अपने आवश्यक पोषण पदार्थों को दूसरे जीवों से प्राप्त करता है और केवल अपना ही फायदा उठाएगा, दूसरे जीव को उससे कोई लाभ नहीं होता है। परजीवी पोषण हमने दो प्रकार में बांटा, टोटल पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या जिसे कहा पूर्ण परजीवी पोषण, दूसरा आंशिक परजीवी पोषण, फैकल्टेटिव पैरासाइटिक। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा कि परजीवी पौधे वो होते हैं जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूर्णतः दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण परजीवी और आंशिक परजीवी। हम एक एक को लेके पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या अंतर है इनमें। पूर्ण मतलब कि इनकी संपूर्ण जिंदगी जो है परजीवी के रूप में ही व्यतीत होती है। पूर्ण परजीवी वह पोषण विधि है जिसमें जीव जीवन पर्यंत परजीवी पोषण ही प्राप्त करते हैं, और इसका जो आपने हमेशा देखा हुआ उदाहरण है वो अमरबेल है। अमरबेल किस किस ने देखी है, हाथ उठा के बताएंगे हमें? शाबाश। अब इसके और भी उदाहरण है, ये रेफ्लेशिया, ओरिपेंगिया, आपका अमरबेल, कैंथिया, सिस्टेडेंकी, ये सब पूर्ण परजीवी। अब हम इनको एक एक करके लेंगे। रेफ्लेशिया यह पूर्ण मूल परजीवी है, टोटल रूट पैरासाइट, ये जड़ों पर पैरासाइट होता है और इसमें तने और पत्तियों का अभाव होता है। आपको ये जानना जरूरी है, यह संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, यह विश्व का सबसे बड़ा पुष्प वाला पौधा है। इसका व्यास जो होता है, जो इसका डायमीटर होता है, 1 मीटर का होता है, और ये जो पुष्प आप देख रहे हैं ये वजन में 7 किलो का होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, डायमीटर इसका 1 मीटर है और वजन 7 किलो होता है, और इसमें केवल जो आपका ये ऊपर का भाग देख रहे हैं ये पुष्प है इसका, ये जो पतले थ्रेड जैसे देख रहे हैं ये तने और पत्तियां।
पत्तियां तो अभाव होती है, परंतु ये बारीक थ्रेड जो है ये नीचे जड़ों पर जाके परजीवी होते हैं और इसलिए इनको पूर्ण मूल परजीवी या टोटल पैरासाइट बोला है। नाम बता सकते हैं संसार के सबसे बड़े पुष्प का नाम क्या है? हाथ खड़ा कर दीजिए। रेफ्लेशिया है क्या? अगर मैं कह रही हूँ संसार के सबसे बड़े पुष्प का नाम रेफ्लेशिया है तो मुझे हाथ खड़ा करके बता दीजिए, मुझे आ जाएगा समझ में कि आपको आया है नाम समझ में। ठीक है, हाँ कई बच्चों ने उठाया, शाबाश। दूसरा पूर्ण मूल परजीवी जो कि टोटल पैरासाइट है, जो जड़ों में रहता है, वो है ओला बैंकी। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये ओला बैंकी का है और यह बैगन, आलू, तंबाकू, सरसों आदि पौधों के जड़ों पर परजीवी के रूप में रहता है। वहां से ये पूरा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। अभी हमने रेफ्लेशिया और ओरोबैंकी वो परजीवी पढ़े जो कि जड़ों पर परजीवी थे, पूर्ण परजीवी थे, इनकी इनमें जीवन पर्यंत ये परजीवी ही जीवन जीते हैं। ठीक उसी तरह अमर बेल, ये अमर बेल का फोटो दिख रहा है, देखिए ये पेड़, एक पेड़ को बबूल का पेड़ है, इसको पूरा उसने घेर लिया है और ये पीले रंग का होता है, इस पीले रंग का है अर्थात इसमें क्लोरोफिल नहीं है, परंतु इसमें पुष्प भी आते हैं छोटे छोटे सफेद रंग के और ये तने पे रहता है, ये पौधों की जड़ों पर नहीं रहता, ये कहाँ रहता है? तनों पे रहता है, इसलिए इसे पूर्ण स्तंभ परजीवी बोलते हैं, टोटल स्टेम पैरासाइट बोलते हैं। अब आते हैं आंशिक या वैकल्पिक परजीवी पोषण, फैकल्टेटिव पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये वो परजीवी हैं जो सामान्यतः तो परजीवी होते हैं परंतु कभी कभी ये मृतोपजीवी जीवन भी जीने लगते हैं। ऐसे परजीवी जो सामान्यतः किसी जीवित पोषक पर परजीवी होते हैं परंतु जब कभी उन्हें जीवित पोषक पौधा नहीं मिलता तब वे मृतोपजीवी जीवन भी लागू कर लेते हैं, जैसे मोनोट्रोपा और चंदन। चंदन का पेड़ जो है एक परजीवी की तरह बिहेव करता है और यह यूकेलिप्टस के पौधे पर परजीवी होता है। अब उसमें भी जिस तरह से रेफ्लेशिया में था ये पूर्ण मूल परजीवी था, इसी तरह से विस्कम एल्बम जो है वो आंशिक स्तंभ परजीवी है। आंशिक स्तंभ परजीवी देख रहे हैं आप, ये पौधा यहाँ जहाँ मैं माउस पहुंच रहा है ये आपको हरा पौधा दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ आंशिक जो परजीवी होते हैं वो इनमें क्लोरोफिल तो पाया जा रहा है, ये भोजन तो स्वयं निर्माण कर लेते हैं परंतु जल और खनिज लवणों के लिए इनको दूसरे पौधों पर आश्रित होना पड़ता है, इसलिए आधा काम ये खुद कर लेते हैं आधा दूसरों से लेते हैं, इसलिए इनको हमने बोला आंशिक स्तंभ परजीवी। ये वे पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल तो है, ये खाम भोजन भी स्वयं बना लेते हैं क्योंकि क्लोरोफिल इनके उपस्थित है, परंतु जल और खनिज पदार्थों के लिए ये दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। इसका उदाहरण क्या हो गया आंशिक स्तंभ परजीवी का? आपका विस्कम। आंशिक मूल परजीवी ये वो हरे पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तो स्वयं बनाते हैं परंतु जल और खनिज के लिए अन्य पौधे की जड़ों पर निर्भर होते हैं। कहाँ निर्भर होते हैं? अन्य पदार्थ, अन्य पोषक पौधों की जड़ों पर। ये अपने सूचकांक या हिस्टोरिया द्वारा जल और खनिज तत्वों के अवशोषण के लिए आश्रित पौधों के जड़ों तक पहुंचते हैं। चंदन का पेड़ जो है वो आंशिक मूल परजीवी है। ये आपको जो चित्र दिखाया जा रहा है ये आपका चंदन के पेड़ की पत्ती।
पहलुओं का है। अब आ जाइए मृतोपजीवी पोषक। यह पोषण की एक विशिष्ट विधि है मृत सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। इस प्रकार के पोषण वाले पादपों को हम मृतोपजीवी कहते हैं। यह पोषण विधि एक विशिष्ट पोषण विधि है जिसमें जीव अपना पोषण मृत सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं और इस तरह से पोषण प्राप्त करने की विधि को हम मृतोपजीवी या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आपने कुकुरमुत्ते देखे होंगे, मशरूम देखे होंगे। ये आपको जो चित्र दिख रहा है ये मशरूम का है, इसको एगेरिकस बोलते हैं। और ये पेनिसिलियम जो है वो फंगस है और ये दोनों की दोनों इनमें पोषण रीति किस प्रकार की है, मृतोपजीवी प्रकार की है। ये अपने पास के मृत सड़े गले पदार्थों से भोजन को प्राप्त करते हैं। अब आइए कीट भक्षी या मांसाहारी पोषण। यह पोषण विधि जिसमें भोज्य पदार्थों का प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तो प्रक्रिया होती है, परंतु ये पौधे नाइट्रोजन की कमी वाले जगहों पर पाए जाते हैं और आपको मालूम है कि नाइट्रोजन जो है पौधों की वृद्धि के लिए एक आवश्यक तत्व है। इस कमी को पूर्ति करने के लिए पौधे कीट भक्षी पोषण विधि को अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें कीटों के शरीर से प्रोटीन के द्वारा नाइट्रोजन की कमी पूरी करने की में सफलता प्राप्त हो जाती है। अगर कीट भक्षी पौधे कहाँ है, इस जगह जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है उस एरिया में, दलदली एरिया में नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए वो जंतुओं से या कीड़े मकोड़ों से प्रोटीन के द्वारा नाइट्रोजन की कमी करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण तो कर सकते हैं, परंतु अपने शरीर में नाइट्रोजन की कमी के लिए ये किस तरह का बिहेव करते हैं, कीट भक्षी पौधों के तरह। उदाहरण हो गए नेपेंथिस, घर जिसको हम कहते हैं घटपर्णी, ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया। ये तीन नाम है, नेपेंथिस जिसको घटपर्णी बोला, दूसरा ड्रोसेरा और तीसरा आपका यूट्रिकुलेरिया। ये आपके सामने जो चित्र है ये घटपर्णी का है। घटपर्णी जो है ये बेल सदृश, जिस तरह से आपके बेल होती है उसी तरह से होता है। और ये वास्तव में जो घटपर्णी या पिचर प्लांट है ये पत्ती का रूपांतरण है। जो सामान्य पत्तियां होती है हमारी उनका रूपांतरण है, वो इस प्रकार से रूपांतरित हो जाती है। आप देखें ये पत्ती का अग्रभाग है जो है और जो पत्ती का मध्य भाग होता है वो फलक जो होता है पत्ती का वो यहाँ पर पिचर जैसा बन गया है और पीटियोल जो होता है उसने वास्तव में पत्ती का रूप यहाँ ले लिया है। ये जो आप जिसको मैं पीटियोल बोल रही हूँ वो वास्तव में अगर आपने आम की पत्ती देखी है तो उसके नीचे छोटा सा डंठल होता है और वो डंठल पीटियोल कहलाता है और वो पीटियोल जो है यहाँ पत्ती की सदृश हो गया है। अब आप ध्यान करें कि आम की पत्ती का वो भाग जिसे हम मूलतः पत्ती बोलते हैं वो यहाँ पर किस तरह से रूपांतरित हुआ है, घट की तरह, और टिप जो है वो
ढक्कन की तरह इसका यूज हो गया है और इस तरह से ये वास्तव में पिचर प्लांट आपका पत्ती का रूपांतरण है। अब यहाँ पर आपको सबको पिचर प्लांट की संरचना समझ में आई है, हाथ खड़ा करके बताएं। आपसे अगर कोई पूछे कि ये पौधे के किस भाग का रूपांतरण है तो आप बता सकेंगे कि ये पत्ती का रूपांतरण है। एक हाथ खड़ा करके मुझे केवल ये बताइए, मैं सत्य बोल रही हूँ कि ये कथन असत्य है कि कीट भक्षी पौधे पिचर प्लांट उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। मांसाहारी पौधे कीट भक्षी पौधे वहाँ पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। यदि सत्य है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये वाक्य सही बोल रही हूँ तो आप हाथ खड़ा करके बताइए कि कीट पक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी की जगह पाए जाते हैं। कुछ लोगों के हाथ खड़े दिख रहे हैं, बाकी नहीं। क्या यह असत्य कथन दिख रहा है? फिर से सुन लें, कीट पक्षी पौधे या कीट पक्षी पोषण जो है उन पौधों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तो बना सकते हैं परंतु अपने लिए आवश्यक नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए छोटे छोटे कीड़ों पर विशिष्ट विधियों द्वारा संरचना बनाते हैं और उनके द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। ये अधिकांशतः दलदली भूमि में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। आपको ये प्रश्न वार्षिक परीक्षा तक में पूछा जाता है। पक्षी पौधे क्या हैं और घट पढ़नी में पोषण की विधि को समझाइए, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। अब ये जो चित्र है आपका घट पढ़नी का है और यहाँ इसकी इसकी क्रियाविधि कैसी होती है पोषण की। ये जो घटपर्णी के घट का अग्रभाग है यहाँ पर कोई भी कीट अगर बैठता है तो ये ढक्कन जो है तुरंत बंद हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर कोई कीट बैठेगा तो वो ढक्कन तुरंत बंद हो जाएगा और वो इसके अंदर इस घट के अंदर गिर जाएगा कीट और इस घट के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनके द्वारा उसमें से डाइजेशन के बाद अवशोषण कर लिया जाएगा। घटपर्णी में पोषण किस प्रकार का है? घटपर्णी के अग्रभाग पर जहाँ पर यह इसका घट का मुंह है वहाँ पर अगर कोई भी कीट आता है बैठता है तो ये जो ढक्कन दिख रहा है ये तुरंत बंद हो जाएगा और जो कीट है वो इस पिक्चर के अंदर घट के अंदर गिर जाएगा और वहाँ होने और तुरंत ये ढक्कन जो है इसका उस पर लग जाएगा जिससे वो कीट वापिस बाहर नहीं निकल सकेगा और इसके द्वारा अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है पाचक जो एंजाइम्स है उनके द्वारा उसके आवश्यक पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाएगा। ये वीनस ट्रैप है जिसका नाम है ड्रोसेरा, कॉमन नेम है वीनस ट्रैप। ये आप यहाँ देख रहे हैं इस चित्र में, ये यहाँ अगर कोई कीड़ा बैठता है तो जिस तरह से कोई ट्रैप लगा देते हैं बंद हो जाएगा, ये तुरंत इसका पोर्शन बंद हो जाएगा और उसके अंदर कीड़ा रुक जाएगा और यहाँ भी उसी प्रकार से आवश्यक एंजाइम्स के द्वारा पौधों का वो उसका कीटों का डाइजेशन करने के बाद पौधे नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति कर लेंगे। यह है यूट्रिकुलेरिया, ये भी एक कीट पक्षी पौधा है और चाहे वो यूट्रिकुलेरिया हो ड्रोसेरा हो पिचर प्लांट हो सभी को अपने शरीर के
अंदर नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करना पड़ता है, अन्यथा ये हरे हैं, इनमें क्लोरोफिल भी है, ये प्रकाश संश्लेषण तो कर लेते हैं, परंतु नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इनको आपका कहाँ उगाना पड़ेगा, जहां से ये कीटों के द्वारा नाइट्रोजन की पूर्ति कर सके। अब आ जाइए सहजीवी पोषण। अपन ने पढ़ा कि अमरबेल जो थी, रेफ्लेशिया जो थी, वो परजीवी थी। उसमें एक खासियत थी कि वे वो परजीवी थे जिन्होंने जिस पौधे पर आश्रित होते थे उनको कभी लाभ नहीं पहुंचाते थे। इनका बहाव जो था वो एक विषय था, पर सहजीवी पोषण में दो जीव साथ साथ रहकर परस्पर जीवन यापन करते हैं। ये क्या कहते हैं, दो जीव हैं पर परस्पर जीवन यापन कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, लाभ होता है, और जब इस प्रकार का सहयोगात्मक क्रिया चलती है दोनों में आपस में, तो इस प्रकार के पोषण को सहजीवी पादप और पोषण जो है इस प्रकार का सहजीवी पोषण कहलाता है। आप परिभाषाएं नोट भी कर सकते हैं, जब दो जीव साथ रहकर परस्पर इस प्रकार जीवन यापन करें कि इससे दोनों जीवों को फायदा हो, तब ऐसे पौधों को सहजीवी पादप और इस प्रकार के पोषण संबंध को सहजीवी पोषण कहते हैं। ये सोयाबीन की जड़ है और उसमें ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे उभार दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, सोयाबीन की जड़ है और उसमें छोटे छोटे उभार दिखाई दे रहे हैं। ये इन उभारों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। इसी तरह के चनों में, सेब में और जितने भी पल्सेस होते हैं, जितने भी दाल वाली चीजें होती हैं, वो आपके जो उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और उसे जड़ जो है जिन जड़ों पर वो नोड्यूल्स बना के कांटे बना के रह रहा है वो वहां उनको आश्रय की जगह प्रदान करते हैं। दूसरा लाइकेन, आपने ये एक पौधे पेड़ का तना है जिस पर काफी सारी लाइकेन है। ये एल्गी और फंजाई के बीच का संबंध है, सहजीवी संबंध है किसका, एल्गी और फंजाई के बीच का। एक बार पुनः दोहरा लें, जब दो जीव एक साथ रहकर जीवन यापन करते हैं जिससे दोनों जीवों को फायदा होता है, तब ऐसे पौधों को सहजीवी पादप और इस प्रकार के पोषण संबंध को क्या बोलते हैं, सहजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण क्या हुआ, राइजोबियम बैक्टीरिया और लाइकेन। इसी के साथ आपका ये क्लास खत्म करती हूँ।